चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा आप लोग का? लोकसभा चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? सबसे पहले सीट बदले बीजेपी अपना। हाँ। देती हैं लोकसभा से जो संजय जायसवाल को देता है। हाँ। तो ये हर पाँच साल पर सीट काहे नहीं बदलता है? हाँ। संजय जायसवाल के पिताजी भी रहे मदन जायसवाल, वो भी सब चोर है। हाँ? सब चोर है। कौन आना चाहिए बेतिया के लिए? जो किसी दूसरे को लाइए, नया चेहरा लाइए। सुनने में आया कि मनीष कश्यप जी भी खड़ा हो रहा है। मनीष कश्यप को लाइए, उसी को कश्यप जी को दीजिए ना टिकट, गर्दा उड़ जाएगा। पैसा वाला का टिकट, पैसा वाला देगा तो सीट घबरा जाएगा। घबरा जाएगा अब की बारी गए। मनीष कश्यप को लाइए, यंग चेहरा, सबको सबका समर्थन मिलेगा, निकल जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक रंजन, आप देख रहे हैं सस्ता न्यूज। आज हम बेतिया के बस स्टैंड में है। लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है। सभी पार्टियां अपने तैयारी में जुटी हुई हैं कि कौन कहां से सीट जीतेगा, कौन बनेगा भारत के प्रधानमंत्री। हम पूछेंगे क्या हाल चाल अच्छा, ठीक है बोलिए। इसमें लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा आप लोग का? लोकसभा चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? सबसे पहले सीट बदले बीजेपी अपना। हाँ। देती हैं लोकसभा से जो संजय जायसवाल को देता है। हाँ। तो ये हर पाँच साल पर सीट काहे नहीं बदलता है? नहीं, संजय जायसवाल के पिताजी भी रहे मदन जायसवाल, वो भी सब चोर है। हाँ? सब चोर है। कौन आना चाहिए बेतिया के लिए? जो किसी दूसरे को लाइए, नया चेहरा लाइए। सुनने में आया कि मनीष कश्यप जी भी खड़ा हो रहा है। मनीष कश्यप को लाइए, उसी को कश्यप जी को दीजिए ना टिकट, गर्दा उड़ जाएगा। देंगे तब ना पार्टी देता पैसा वाला का टिकट, पैसा वाला देगा तो सीट घबरा जाएगा। घबरा जाएगा अब की बारी गए। मनीष कश्यप को लाइए, यंग चेहरा, सबको सबका समर्थन मिलेगा, निकल जाएगा। निकल जाएगा सीट, निकल जाएगा सीट, निकल जाएगा, एकदम हिला देगा बेतिया मोतिहारी, कहीं हिला देगा। बिहार के युवा, बेतिया के युवा, उनके साथ युवा को टिकट देगा। हाँ, उसका सीट आगे जाएगा। पाँच साल पहले चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लोकसभा चुनाव में आप लोगों का मुद्दा क्या रहेगा? लोकसभा चुनाव में किस मुद्दा पे आप वोट करने जाइएगा? किस मुद्दा पे आप वोट करने जाइएगा इस बार लोकसभा चुनाव में? वोट देते हैं, वोट देते हैं। किस मुद्दा पे इस बार वोट रहेगा बेतिया के लोगों का? विकास के मुद्दा पर वोट रहेगा। विकास हो रहा है बेतिया में? हो ही रहा है। हाँ। इस बार क्या लगता है बेतिया में? जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जिस रफ्तार से होना चाहिए उस रफ्तार से नहीं हो रहा है। और बेतिया की समस्या क्या है? बेतिया का समस्या क्या है? नाला इंक्रोचमेंट है, अमरपाली से लेकर सब जगह नाला का समस्या है, पानी भर जाता है बरसात के दिनों में। ये सब चीज पे यहाँ के सांसद विधायक को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। पानी उन्हीं लग जाता है बारिश के समय में, तो इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ के प्रतिनिधि हैं। और यहाँ जितने भी नेता जितने हैं तो कहते हैं कि हम विकास है, विकास करते हैं, लेकिन जितने के बाद विकास कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते हैं। कोई नहीं, जितने के बाद विकास करते हैं वो अपना काम कर, कोई काम नहीं है। चुनावी मैनिफेस्टो में कहते हैं कहीं किसी को बाथरूम लग जाए वो व्यवस्था है आज तक। आज नगर निगम है, नगर निगम है, ठीक है। सब बस वाला देता है यहाँ से टैक्स, सब बस वाला पैसा देता है, वो छोड़िए। हाँ। कोई पैसेंजर आता है, कोई लेडीज है, अगल बगल में जा करके देखिए वहाँ लोग पेशाब ऐसे किए हुआ है, उसका कोई व्यवस्था है यहाँ? साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है। शौचालय में जाता है 10 रुपया लेता है लोग, शौचालय में 10 रुपया लेते, 10 रुपया। अब समझिए कि बेतिया बस स्टैंड का ये हाल है कि यहाँ शौचालय भी नहीं है। अब जो लेडीज आती है वो कहाँ जाएंगी करने? प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं के लिए हम बहुत सारे काम करते हैं, महिलाओं के विकास के लिए काम करते हैं, लेकिन रियलिटी में महिलाओं का विकास हो पाता है क्या? अभी कोई महिलाओं का विकास नहीं है, मतलब बाथरूम का भी साधन नहीं है। अगर किसी को लग जाए तो कहाँ जाएगा बाथरूम करने? अभी तो नेता लोग बताएंगे, लेकिन वादा तो नेताजी सब खूब करते हैं। तो वादा ही है, सिर्फ सिर्फ वादा है, सिर्फ वादा है, सिर्फ हवाई वाले वादे। अभी चलिए ना देखिए, हमारे क्षेत्र में संजय जायसवाल हमारे यहाँ से सांसद है, अभी रोड है वहाँ, अभी कुछ नहीं। हमारा घर हुआ सुगांव छगराहा, सुगांव चंद्रहा छगराहा, छगराहा। हाँ, रोड नहीं है वहाँ पे, कोई रोड नहीं है, चल के रोड का स्थिति देखिए। हाँ। संजय जायसवाल जी यही तो दे रहे हैं। कुछ और युवा से जानेंगे क्या हाल चाल है। अच्छा, ठीक है। लोकसभा चुनाव में इस पर क्या मुद्दा रहेगा आप लोग का? ये सब हम नहीं रहते हैं चक्कर में, ये सब चक्कर में नहीं करते हैं। आपके अंदर कैपेसिटी है, वोट देते हैं, आपकी प्रधानमंत्री बना वोट, वोट अपना ना होता है, मन का अपना है, जिसको अच्छा लगेगा उसको वोट आदमी देता है। अब लोगों को कहेंगे नहीं ना कि फलना को वोट दिए, अचिल्ला को वोट दिए। हाँ।
हमको जो अच्छा लगेगा उसी को ना वोट देंगे। बेटर आपके लिए हो सकता है, आप सोचिएगा ना कि मेरे लिए बेटर कौन हो सकता है। समय जो बताता है, समय बताता है हाँ, कि कौन कैंडिडेट अच्छा है, किसको वोट दिया जाए, उस समय उसको वोट दिया जाता है। लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा इस बार, किस मुद्दा पे आप वोट कीजिएगा? वोट विकास के मुद्दा पर किया जाएगा, विकास के मुद्दा पर वोट किया जाएगा। विकास के मुद्दा और क्या रहेगा, एजुकेशन सेक्टर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ये सब? हाँ, एजुकेशन सेक्टर तो आना चाहिए, अच्छा बात है। जब बिहार में पिछले बार 40 में से 39 सीट मिला था एनडीए को, क्या एनडीए विकास कर पाई है? की है नहीं, विकास की है नहीं, एनडीए विकास की है नहीं, बिना विकास का चल रहा है। इस बार 40 में से कितना लगता है? 40 में 40 मिल जाएगा। अब विपक्ष में कोई पीएम फेस चेहरा है क्या? पीएम फेस के बारे में तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, इतना पीएम फेस के बारे में हम लोग। इस बार मोदी जी कह रहे हैं 400 पर, क्या लगता है करेगा? 400 पर करबे करेगा, हो जाएगा, एकदम होगा, रियलिटी में। हाँ हाँ, 400 पार होगा ही मोदी जी का, मोदी जी का 400 पार। और क्या रहेगा मोदी जी मांगे किया के लोग? मोदी जी का मतलब विकास करिए रहे, करवे करते हैं मोदी जी, ऐसा थोड़े विकास नहीं है। विकास चलिए, आज हम बेतिया स्टेशन बस स्टैंड में है, लोकसभा चुनाव के लेकर पब्लिक से ओपिनियन। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएगा। जय हिंद, जय भारत।